हेलो जी, तो आज आप सभी का स्वागत है स्पीति वैली के इस ब्यूटीफुल से सफर में, जो कि है हर एक इंडियन ट्रैवलर की ड्रीम डेस्टिनेशन, क्योंकि स्पीति है भारत की सबसे ऊंची एंड दिलचस्प जगहों में से एक, जहां आपको देखने को मिलेंगे बर्फ से ढके सुनहरे पहाड़ और मानो ऐसा लगता हो जैसे हर कुछ किलोमीटर चलने पर इनका रंग बदलता हो। और इसी के साथ यू कैन एक्सपीरियंस दिस मोस्ट एडवेंचरस रोड, जहां पर ड्राइव करने का भी एक अलग ही मजा है। सो हेलो जी, मेरा नाम है हाइकर हिमांशु और इस बार कुछ दोस्तों को साथ लेकर मैं निकल पड़ा हूँ जयपुर से इस अनप्लैंड स्पीति ट्रिप पर, जहाँ पर शायद हमारे पास वक्त काफी कम है, बट विल ट्राई टू कवर ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑफ स्पीति वैली। और जयपुर टू स्पीति के सफर में हमारे पास वक्त काफी कम होता है, तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन टारगेट होता है कल्पा, जो कि जयपुर से अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 किलोमीटर या फिर 18 to 19 hours की ड्राइव। सो फाइनली आफ्टर 3 hours ऑफ क्रेजी हाईवे roads, नाउ वी आर इन दिल्ली एंड आई एम विद माई गैंग। सो दो भाई यहाँ से एंड वन मोर क्रेजी पर्सन, इफ यू नो हर ऑलरेडी। नाउ हमारा प्लान है कि पहले हम पहुंचेंगे सबसे पहले शिमला, जो कि होगा आई थिंक यहाँ से 400-500 किलोमीटर, तो ट्राई करेंगे सनराइज से पहले पहुंचे। और कल की हमारी डेस्टिनेशन होगी कल्पा, बाकी रास्ते में कुछ अच्छे व्यू आएंगे तो हम जरूर दिखाएंगे। और आज अपने भाई है कैमरामैन अपने साथ में। तो फाइनली अभी आई थिंक 7 या 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम रुक गए कहीं पे चंडीगढ़ के पास में, और जब ऑफिस से लास्ट मोमेंट में छुट्टी मिलती है ना, ऐसा हाल होता है, मतलब काम कर रहे थे हम, फॉर्मल में उठे और निकल लिए बस। तो अभी ये रहा हमारा आज का घोड़ा और पहला टारगेट हमारा शिमला, एंड आई थिंक विल रीच इन 3 hours, तो देखते हैं इतना जल्दी हम पहुँचते हैं वहाँ पर। और हमारे भाई लोग, एंड फाइनली वी आर इन शिमला आफ्टर आई थिंक 10 to 11 hours ड्राइव, मतलब हालत बेकार है। और नाउ वी हैव चैलेंज कि हमें कोई यार सोच रहे कहीं पर रुक जाएँ कि 2 घंटा रेस्ट कर लें, या फिर सीधा हम पहुंच जाए रेकोंगपियो। तो अभी देखते क्या होता है, बट तुम्हारे भाई को आ रही है नींद। और फाइनली सबको भगा दिया बाहर कि भाई तुम जाओ आराम से रेस्टोरेंट कहीं भी जाओ, और हम सोएंगे 2 घंटे, क्योंकि पिछले 12 घंटे से कर रहे हैं अच्छा ले ड्राइव, तो अभी हम निकालते हैं नींद। तो अभी हम पहुंच गए नारकंडा, एंड आज का हमारा टारगेट था रेकोंगपियो, बट अभी रोड पे हो चुकी है बर्फ स्टार्ट और हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर, क्योंकि स्नो चेंज तो हमने ली नहीं, तो देखते कैसा रहता है। बाकी अभी मनीष भैया की थोड़ी तबीयत खराब है, पीछे एनर्जी और हमारी आंखों का ऐसा हाल है वो दिखा नहीं सकते, तो बस वही अभी देखते हैं। पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ ढूंढते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मेडिकल शॉप। सो वी आर ऑन द वे, और वहाँ पे काफी लोग हैं जो गाड़ी वॉश कर रहे हैं, तो हमने सोचा जब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो हम थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 1 घंटा, तो गाड़ी भाई बार पाँच बार गाड़ी देख जो। सो वी टुक आवर कार हियर नाउ, हम क्यों पीछे रहे हैं, बकचोदी करनी है तो करनी है। और हम वहां से आए यू करते हुए, और यहाँ पे हमें गाड़ी वॉश करनी थी, वी आर डन। तो चलो जी अब चलते हैं काजा, वन ऑफ द डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, मे बी वी कैन गो देयर, शुड वी। सो वेलकम टू किन्नौर, और यहीं पे आते आपकी होती है चेक पोस्ट स्टार्ट, जहाँ पे आपको अपना डेटा देना रहता है, एंड यहीं से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं काफी अच्छे माउंटेन्स दैट वी गोना एंजॉय। This is the best view point if you are coming to Kalpa. और जो असली नज़ारे हो वैसे यहीं से आते हैं, एंड दिस इज द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू। तो 13 to 14 hours की ड्राइव के बाद हमारी रफ्तार को रोककर हम लगाते हैं हमारी कार साइड, एंड महसूस करते हैं पहाड़ों की स्लो एंड पीसफुल लाइफ को, जो कि शायद आजकल शहरों में कहाँ ही देखने को मिलता है।
यहाँ आई थिंक मैं कितनी भी बार आ जाऊँ मेरा मन नहीं भरने वाला यार, मतलब काफी मजेस्टिक व्यू है। और वैसे हम शुरू में बोल रहे थे यार हम कल्पा आ चुके हैं क्या करेंगे यहाँ पे, बट लिटरली वापस से यहाँ के मतलब ऐसी वाइब आती है यार क्या जगह है, मतलब घूमते रहो जितना। पहाड़ों में तो तुम्हारे भाई का दिल बसता ही है, और आज हमारी थोड़ी एनर्जी डाउन है क्योंकि पिछले आई थिंक 22 आवर्स और ऑलमोस्ट 23 आवर्स हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, बस एक घंटे का थोड़ा नैप ब्रेक लिया था। एंड नाउ वी गोना स्टॉप एट रेकोंगपियो क्योंकि इन मैडम का चाहिए हमें परमिट, देन गो टुमारो विल गो टू काजा जिसके लिए हम आए हैं। तो लुक एट द व्यू गाइस। तो यदि आप भी किसी गोरे दोस्त के साथ स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यू विल नीड ए परमिट जो कि आप ले सकते हैं शिमला रेकोंगपियो के एसडीएम ऑफिस से, और इसी वजह से हमारा फर्स्ट डे हॉल्ट होता है रेकोंगपियो। वी आर स्टेइंग हियर एट द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आउटर्स होम स्टे, एंड नाउ वी विल गो फॉर द फूड एंड टुमारो शी विल बी इंडियन गर्ल। विल से शी जी कश्मीरी हूं सो विल मैनेज समहाउ। This is the night view of Kalpa and looks feeling amazing. और अभी आए हम यहाँ पे कोई लिल शेफ रेस्टोरेंट है, तो कुछ मोमोज वगैरह हम लेंगे क्योंकि अभी इच्छा है नहीं ज़्यादा खाने की, यहाँ से पैक कराएंगे देन वी विल लीव। सो लेट्स सी हम क्या लेते हैं यहाँ से। गाइस लुक एट द व्यू, आई थिंक कैमरे में नहीं आ रहा होगा बट नाइट में जो सामने वाइट कलर के माउंटेन से चादर, मतलब दिस इज लुकिंग रियली अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि बस वहाँ पे कोई टॉर्च जला देना पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा यार, क्या नज़ारे लग रहे हैं। तो मैं कितनी भी तारीफ करूँ जगह की उतनी कम है यार, मतलब दिस इज रियली द बेस्ट व्यू। एंड लास्ट टाइम जब हम कल्पा में आए थे व्यू तो यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग था, और आई विश वहाँ पे हम दो तीन दिन और सकते हैं लोकल एक्सप्लोर कर सकते हैं तो मज़ा और कुछ ही होता, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि आप यहाँ पे आ रहे हो तो रेस्टोरेंट्स पे आपको काफ़ी कम मिलेंगे, अभी जैसे हमें मिला लिटिल शेफ तो वहीं से हमने कुछ लिया फूड वगैरह जस्ट फास्ट फूड, एंड देन देखते कल का क्या प्लान होता है।